Ah, it's not working. It's okay. Hello. No, that's all the mics are here because the connection may not be working. नमस्कार साथियों, अगर आपकी अनुमति है तो शुरू कर लें। मोदी सरकार षड्यंत्रकारी तरीके से न्याय मांग रहे देश के अन्नदाता को थकाने और झुकाने की साजिश पर काम कर रही है। काले कानून खत्म करने की बजाय 40 दिनों से मीटिंग खेल रही है तथा किसानों को तारीख पर तारीख दे रही है। 73 साल के देश के इतिहास में ऐसी निर्दयी, जुल्मी और निष्ठुर सरकार शायद कभी नहीं बनी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी और देश की अंग्रेज सरकार को भी पीछे छोड़ दिया। 40 दिन से अधिक से लाखों अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर काले कानून खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं। हाड़ कपाती सर्दी, बारिश और ओलों में 60 से अधिक अन्नदाताओं ने दम तोड़ दिया। देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक देश पर कुर्बान होने वाले उन 60 किसानों के लिए सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला। साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार 60 किसानों की कुर्बानी के लिए, मौत के लिए सीधी सीधी जुम्मेवार है। दोस्तों, ये लड़ाई किसानों की आजीविका और मोदी सरकार की अवसरवादिता के बीच की है। यह लड़ाई किसानों की खुददारी और मोदी सरकार की खुदगर्जी के बीच है। यह लड़ाई किसानों की बेबसी और मोदी सरकार की बर्बरता के बीच है। यह लड़ाई सत्ता के सिंहासन पर मदमस्त सरकार और न्याय मांगते सड़कों पर बैठे हुए देश के किसानों के बीच है और यह लड़ाई दिए और तूफान के बीच है। किसान देश की उम्मीदों का दीप है और सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों की द्योड़ी पर बिकी हुई मोदी सरकार किस देश का सब कुछ तबाह कर देने वाला तूफान है। कमाल यह है साथियों, कमाल यह भी है कि 73 साल में पहली बार देश में ऐसी सरकार है जो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर किसानों को कहती है तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सरकार को जनता ने चुना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। किसानों ने चुना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। फिर उसी जनता और अन्नदाता को सरकार कहीं और क्यों भेजना चाहती है? क्या मोदी जी जवाब देंगे? ये तीनों विवादास्पद काले कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए, जबरन प्रजातंत्र का अपहरण कर देश की संसद में मोदी सरकार ने बनाए हैं। किस तरह बनाए, क्यों बनाए, किसके लिए बनाए, पूरे देश ने देखा और पूरा देश जानता है। फिर सरकार अपनी जिम्मेवारी से पल्ला क्यों झाड़ रही है, टल क्यों रही है? नीतिगत फैसले लेने के लिए मोदी सरकार जवाबदेह है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान ने भी यह जिम्मेदारी कोर्ट को नहीं दी, ये कानून बनाने की जिम्मेदारी और खत्म करने की जिम्मेदारी देश की संसद को दी है। और मोदी जी, अगर आप कानून बनाने और खत्म करने में असक्षम हैं तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम कहते हैं कि इस्तीफा देकर घर चले जाइए, आपको एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं बचा।
कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसलिए यह निर्णय किया है कि किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस के रूप में एक जन आंदोलन तैयार करेगी। धरना प्रदर्शन और रैली के बाद राजभवन तक मार्च कर हर स्टेट हेडक्वार्टर में कांग्रेस और किसान देश की अहंकारी सरकार को न्याय की गुहार लगाएंगे कि तीनों काले कानून खत्म करो। केवल एक मांग है, समय आ गया है कि मोदी सरकार देश के अन्नदाता की चेतावनी को समझ ले, क्योंकि अब देश का किसान इन काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए करो और मरो की राह पर चल पड़ा है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। I'll answer later. Let me just first take questions. आज संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में सभी महासचिव गणों और प्रदेश के प्रभारियों की बैठक हुई। उसमें मोदी सरकार की निर्दयता, निर्ममता और निष्ठुरता को देखते हुए और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुरूप एक स्वर से, एक सहमति से यह निर्णय लिया गया कि देश के किसान के साथ कांग्रेस को मजबूती से खड़ा होना है। देश का एक एक नागरिक, 130 करोड़ नागरिक इस बात के लिए बाध्य हैं, उनका कर्तव्य है कि वो देश के किसानों के साथ खड़े हो जाएं। और इसलिए निर्णय किया है कि एक जन आंदोलन, प्रदेश स्तरीय जन आंदोलन हर प्रदेश हेडक्वार्टर पर किया जाएगा, जिसे किसान अधिकार दिवस का 15 जनवरी को हमने नाम दिया, ताकि 10 और 11 और 12 बजे यह आंदोलन होगा। वार्ता से पहले पूरे देश से जो एक बलबला आएगा, 15 जनवरी को जब सरकार किसानों से वार्ता करे तो ये जान ले कि पूरे देश ने अंगड़ाई और करवट ली है और किसानों की बात सुननी पड़ेगी। और उसके बाद राजभवन तक मार्च कर केंद्र सरकार को यह संदेश दिया जाएगा कि इन तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए। आदरणीय मित्र, जब सत्ता का अहंकार सर चढ़कर बोले, जब चुने हुए प्रतिनिधि अपने आप को सम्राट और राजा मानने लगे, जब हर नागरिक के अधिकारों को कुचला जाए, वो किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, उद्यमी हो, तो फिर ऐसी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करना विपक्षी दलों और देश के नागरिकों का कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि मोदी सरकार वोट की ताकत से चुनी जरूर गई, परंतु लगभग पिछले एक वर्ष के अंदर मोदी सरकार ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। और ऐसी सरकार, क्या आपने सुना है 73 वर्षों में कोई ऐसी सरकार हो जो कहे हमसे हल नहीं होता, किसानों तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगी? अब सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे ये तीनों काले कानून। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कानून बनाने का, कानून बनाने का अधिकार संसद को है, जहां जनमत का अपहरण कर, चीरहरण कर ये काले कानून बनाए गए थे। और इसीलिए मोदी सरकार को अपना अहंकार त्याग, पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर चंद सिक्कों की खनक में बिकी हुई मोदी सरकार को अपना अहंकार त्याग, अब किसान की पुकार को सुनना चाहिए और काले कानून खत्म करने चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन यू वेलकम टू आस्क। यस सर। सर, हर मीटिंग से पहले कृषि मंत्री का बयान आ जाता है कि कानून वापसी लेने के अलावा अगर
वापस इसी सूरत में नहीं। आदरणीय मित्र, अहंकार से चूर मोदी सरकार मीटिंग मीटिंग खेल रही है, किसानों को तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दे रही है। किसान फिर भी न्याय की गुहार देश की सरकार से ना लगाए तो किसान कहां जाए, आप बताइए। इसीलिए मैंने कहा यह लड़ाई किसान की आजीविका और सरकार की अवसरवादिता के बीच है, यह लड़ाई किसान की खुददारी और मोदी सरकार की खुदगर्जी के बीच है, यह लड़ाई देश का पेट पालने वाले और उसका बेटा जो देश के जवान के तौर पर देश की रक्षा करता है आज न्याय की गुहार मांग रहा, किसान की बेबसी और मोदी सरकार की बर्बरता के बीच है। इसलिए मोदी जी तारीखें देना बंद करिए और काले कानून खत्म करिए, सच्चाई यही है। एनी अदर क्वेश्चन, वी वेलकम टू अस। देश का दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री के पास तो 60 अन्नदाता मर गए, दम तोड़ गए, हार्ट कपकपाती सर्दी में, बारिश में, ओलों में, देश की राजधानी की सीमा पर वो बैठे हैं, पर मोदी जी ने आज तक सांत्वना का एक शब्द न उन किसानों के प्रति और न उन मरहूम कुर्बान हुए किसानों के परिवारों के प्रति कहा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात देश के प्रधानमंत्री के लिए शायद कोई नहीं हो सकती। दिस इज ए स्टेट लेवल डेमोन्स्ट्रेशन कम रैली एंड द डे हैज बीन नेम्ड एज किसान अधिकार दिवस। द डिमांड इज रिपील ऑफ द 3 ब्लैक लॉस। The demand is also the rollback of the petrol and diesel prices, which are finally affecting the farmer and the common man. And farmers have also said there is only one demand: repeal 3 anti-agriculture black laws. That's the demand. It's a clarion call across the country to given by the Congress Party in solidarity with India's annadata that. For the government to wake up from its slumber and to repeal the 3 black laws. Yes, ma'am. Sir, time and again, the farmers' community have made it very clear that they do not need any political endorsement or patronage. Thus, when Congress Party comes up and supports and stands in solidarity with the farmers, the BJP is supposed to call out the Congress Party. Having said that, sir, with the dialogue process that is on for over 8 times now, do you think the government at all has any intention to help the farmers? Dupe and deceive India's annadatas, India's farmers is the only policy being followed by the Modi government. Modi government is playing meeting with India's farmers. Modi government is attempting to dupe and deceive India's farmers by giving them date after date after date. Modi government is trying to tire out India's annadatas. For over 40 days, annadatas have sat at the doorsteps of the national capital of Delhi. Over 60 farmers have given their lives. Farmers are braving extreme cold weather, rain, hailstorm, as also other vagaries of weather. Yet, rulers of Delhi refuse to listen to the cry for saving the livelihood and lives of India's farmers. Never have in the 73 years history of this country been such a cruel government ever on the seat of the power. Modi government is now same as the East India Company, as also the Britishers, who immeasurably tortured Indians for decades together until the Indian National Congress
along with the people of this country, threw them out of the power. The same kind of satyagraha, the same kind of andolan is taking place today, which will be a turning point in independent India's history. This turning point will ensure either this government accepts the demand for repeal of the three black laws, listens to the agony and anguish of India's farmers, listen to their cry of pain and suffering, listen to their cry for saving their lives and livelihoods, or Modi government needs to get out, leave the seat of power and go back. For farmers will neither be cowed down nor bent. एक सवाल सर, अपने साथी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन्होंने पूछा है कि कल की मीटिंग के बाद किसानों की बात से ऐसा लगा कि सरकार किसानों को जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहती है, और इसके साथ ही दूसरा प्रश्न ये भी पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कानून बनाने की बात हो रही है, तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया चाहते हैं। आदरणीय मित्र, जहां तक बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने, सरकार के द्वारा यह कहने किसानों को कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, और किसानों ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात को सिरे से कल खारिज किया, मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूं। देश की सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखने की जरूरत है। क्या कारण है कि देश के अन्नदाता को देश की सुप्रीम कोर्ट में जाना मंजूर नहीं? क्या कारण है कि ये सरकार बार बार, वो CAA NRC हो, वो रफेल हो, वो हैबियस कॉर्पस हो, वो तीन काले कानून हो, जिनका हल देश की संसद में निकलना चाहिए, उनका हल देश की सुप्रीम कोर्ट से निकलवाना चाहती है? और जब देश के 62 करोड़ अन्नदाता सुप्रीम कोर्ट जाने से इनकार कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अंतःकरण में झांक कर देखने की जरूरत है, ये एक नागरिक के तौर पर मैं कहना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न जो हमारे साथियों ने, जो YouTube पर पत्रकार वार्ता को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ये कह रही है कि ये अधिकार कानून लागू या ना लागू करने के राज्यों पर छोड़ दिए जाएं। ऐसा कोई औपचारिक बयान अभी तक मैंने कृषि मंत्री जी का नहीं देखा, पर यह सच है कि आज के समाचार पत्रों में, हिंदी समाचार पत्रों में यह खबर प्रमुखता से छपी है। तो तोमर साहब, अगर यह बात सही है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, मोदी जी से और तोमर जी से, अगर सारी बात प्रांतों पर ही छोड़नी है तो आपने कानून क्यों बनाए? तो यह साफ है कि यह कानून गलत है, तो यह साफ है कि आपको यह कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, तो यह साफ है कि आप कानून बना ही नहीं सकते। तो अगर प्रांतों पर ही छोड़ना है तो यह काले कानून खत्म करिए, प्रांतों ने तो यह काले कानून बनाए नहीं। और इसके साथ साथ यह भी देखिए, इन काले कानूनों में इंटर स्टेट ट्रेड की चर्चा है, तो हरियाणा प्रांत, हरियाणा की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर इंटर स्टेट ट्रेड को गवर्न कैसे करेगा, कैसे कानून बनाएगा? तो क्यों मजाक कर रहे हैं, क्यों बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों किसान का मजाक उड़ा रहे हैं? और मोदी जी और तोमर साहब, अगर यह बात सच है तो यह भी बताइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य और MSP तो केंद्र सरकार निर्णय करती है, तो प्रांत अगर कानून बना भी देगा, एक प्रांत ने बना दिया, कांग्रेस के प्रांत ने, जैसा हमने बनाया भी है, जिसको आप अनुमति नहीं दे रहे, और पड़ोस में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वो कानून मानने से इनकार कर दिया, तो क्या MSP टूट नहीं जाएगा? तो इसलिए ये कहकर किसानों को अपमानित मत करिए, कानून आप बनाएं और छोड़ देंगे केंद्र के और प्रांतों के ऊपर, इसलिए ये बचकानी और बेवकूफाना बातें बंद करिए। थैंक यू।